जांजगीर चंपा जिले में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनिज विभाग की अनदेखी और अधिकारियों के संरक्षण के कारण ठेकेदार नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर रॉयल्टी की चोरी कर शासन को चूना लगा रहे हैं। ऐसे ही रेत माफियाओं की शिकायत पर हसोदा तहसीलदार ने छापामार कार्रवाई की। तहसीलदार ने सोन नदी में ठेकेदारों द्वारा जेसीबी से रेत का अवैध उत्खनन कर निर्माण कार्य किया जाना और भारी मात्रा में रेत डंप करना पाया है, जिस पर जांच करते हुए तहसीलदार कमल किशोर पटनावर ने एक जेसीबी और दो ट्रैक्टर को खनन की अनुमति नहीं होने पर जब्त की कार्रवाई की है। हसोदा से गुजरने वाली इस नदी पर जहां डैम का निर्माण हो रहा है, आज भी क्षेत्र के बहुत से लोगों द्वारा वहां नहाने का उपयोग किया जाता है, जिससे इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे करके रेत निकालने से हादसा होने का खतरा भी बढ़ रहा है। कुछ माह पूर्व ही ऐसे ही एक गड्ढे में डूबने से एक युवक की मृत्यु हो चुकी है। वहीं चेन माउंटिंग मशीन एवं करीब 70 ट्रक डंप की गई रेत को तहसीलदार द्वारा जब्त किया गया है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए जांजगीर चंपा से केशव सोनी की रिपोर्ट। जैसे शिकायत हो रहा था, रेत अवैध खनन किया जा रहा है सोन नदी के किनारे, उसी तारतम्य में हमारे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान एक चेक स्टाफ डैम भर रहा था, वहां पर सोन नदी के किनारे से चेन माउंटिंग मशीन के द्वारा रेत अवैध रूप से रेत निकाला जा रहा था, जिसके बारे में हमने पूछा कि इसका दस्तावेज लीगल दस्तावेज है कि नहीं, तो उनके द्वारा कोई लीगल दस्तावेज नहीं दिखाया गया, जिसके कारण उसको जब्त कर मौके में ही जब्त कर उन्हीं के सुपुर्द किया गया। और उसी मौके में लगभग 50-60 ट्रैक्टर रेत डंप मिला, उसको भी जब्त करके उन्हीं के सुपुर्द किया गया। उसी तारतम्य में एक हॉस्टल बन रहा है इधर सोन नदी के किनारे, वहाँ पर भी एक जेसीबी के द्वारा दो ट्रैक्टर में रेत परिवहन कराया जा रहा था, उसके बारे में भी दस्तावेज मांगा गया, तो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसको भी मौके में जब्त करके थाने के सुपुर्द कर दिया गया। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।